नमस्कार, मैं हूं अनुराधा बोरा और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। आज की भागदौड़ की जिंदगी में अपने आप को हम भूल चुके हैं। हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हम किस ओर जा रहे हैं। छोटी उम्र में ही बीमारी का शिकार हो जाते हैं। मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और छोटी छोटी बातों को लेकर भ्रमित होना। आज हम समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। भारतवर्ष में हमारे ऋषि मुनि द्वारा हजारों वर्ष की आयु तपस्या योग के द्वारा पूर्ण की जाती थी। प्रातःकाल उठना और समय पर हर कार्य करना, ये दिनचर्या था। जीवन अनमोल है, इसकी रक्षा स्वयं करें। परमात्मा की दी हुई अनमोल धरोहर आइए जानते हैं डॉक्टर आचार्य राकेश वर्मा से। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा कार्यक्रम चला है शख्सियत, और आज शख्सियत में हमारे साथ हैं डॉक्टर आचार्य राजेश वर्मा जी, जो कि एक योगाचार्य भी हैं और जिनकी बात की जाए कि उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से विश्व भर में जाना जाता है, यहाँ पर से जिस तरह से योग का शुरुआत बाबा रामदेव ने की है, जो कि पूरे विश्व भर में, जैसे पिछले आपने महीने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ स्कूल कॉलेजेस और जो संस्थाएं हैं उन लोगों ने योग दिवस को एक विश्व दिवस के रूप में मनाया गया था। आज इस कार्यक्रम को हमारे साथ आर्य पंडित रजनी शास्त्री जी, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से योग के जरिए आप अपने जीवन के अंदर नया परिवर्तन ला सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। मैं आचार्य रजनीश, आपका जाना पहचाना, और आज समाचार इंडिया ने मुझे एक जो भूमिका दी है शो को प्रस्तुत करने की, उसके लिए मैं समाचार इंडिया का धन्यवाद करता हूं। और मित्रों, आज के समय में, भागदौड़ के समय में, जैसे कि हम लोग सब अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में लगे रहते हैं और इस भागम भाग में कहीं ना कहीं कुछ पीछे रह जाता है, और वो पीछे रहता है आपका स्वास्थ्य, जिसके लिए हम कभी चिंतित नहीं रहते, केवल समाज में दूसरों के प्रति सचेत रहते हैं, केवल अपने कार्य की व्यस्तताओं में लगे रहते हैं। लेकिन अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें, कैसे अपने दिनचर्या को सुधारें, कैसे अपने खान पीन को सुधारें, इन्हीं सारी बातों को लेकर के मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ। रुड़की क्षेत्र में नहीं अभी तो पूरे देश में जिन्होंने अपना योग के क्षेत्र में अपना विशेष नाम किया है, वो हमारे बीच में आज हैं डॉक्टर राजेश वर्मा जी। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है कि आप योग के क्षेत्र में किस प्रकार से आए और कैसे आप प्रेरित हुए, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। प्रणाम मित्रों, अभी आदरणीय पंडित शिरोमणि ने प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि मैं योग दर्शन के शास्त्र को पढ़ना शुरू किया, मैं योग दर्शन में कैसे आया, योग को कैसे क्यों अपनाया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब से हम जाते हैं अतीत में, 5 से 7 वर्ष पहले हम कुछ बीमारियों का शिकार हो गए थे, जिसमें हमारा वजन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 121 किलो तक पहुँच गया था। तब हमें लगने लगा था कि जीवन बड़ा दुभर हो जाएगा, जीना बड़ा कष्टदायक प्रक्रिया लगने लगी थी, हम डायबिटिक हो गए थे, बीपी प्रॉब्लम हमें सताने लगी थी और हाइपरटेंशन के शिकार, हमें पेट के भी विकार हो गए थे। उन सब को दूर करने का हमने तरीका अगर कोई देखा तो हम डॉक्टरों से मिले, अनेक डॉक्टरों से हमने संपर्क किया, एलोपैथ सर्जन से मिले, उन सभी ने हमें बताया दवाइयों के बारे में, दवाइयाँ देते रहे, हम दवाइयाँ खाते थे, हमें आराम हो जाया करता था, परंतु एक स्थायी परिणाम हमें उस रोग के निवारण का नहीं मिल पाया। तदुपरांत हमारा संपर्क पतंजलि योग पीठ से होता है। पतंजलि योग पीठ के स्वामी परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी को मैं सत सत नमन करना चाहता हूँ। मैं उनके संपर्क में आया और उनके संपर्क में आते ही मेरा जीवन बदलने लगा। मैंने उसी समय योग को अपनाया और प्रथम वर्ष में मैंने अपने आप को पूरी तरह से योग को समर्पित कर दिया, और प्रथम वर्ष में ही मैंने अपना लगभग 45 किलो वजन एक वर्ष में कम किया, सिर्फ योग के माध्यम से। और योग के माध्यम से यही सब करते करते मैंने सिर्फ वजन को ही अपने नियंत्रित नहीं किया, मैं पूरी तरह अपने शरीर से डायबिटिक प्रॉब्लम समाप्त की, मैंने अपने शरीर से बीपी प्रॉब्लम पूरी तरह समाप्त की, मैंने अपने पेट की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन यानी जो भयानक रोग हो जाता है, कब्ज की बीमारी जो आजकल के परिवेश को देखते हुए 90% जनता जिससे ग्रसित है, उसको पूरी तरह समाप्त किया,
और आज मुझे हाइपरटेंशन नाम की भी कोई बीमारी नहीं है। और मैं योग के बारे में बताना चाहूँगा कि योग ही एकमात्र ऐसा माध्यम है, योग और ध्यान, जिसके द्वारा आप अपने शरीर के समस्त रोगों को ठीक कर सकते हैं। ये मैं दावा करता हूँ पूरी तरह से, और ये मैं अपने ऊपर भी इसको फॉलो कर चुका हूँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई योगाचार्य जी। और जैसे कि आज के समय में लोग उन संस्कारों को जो हमारे महर्षियों ने, तपस्वियों ने एक विधा हमें दी योग के माध्यम से जी, और उस विधा को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। हालांकि अभी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें बहुत अच्छी पहल की, देश और दुनिया को योग के प्रति जागरूक किया। स्वामी रामदेव जी ने भी योग के प्रति लोगों को जागरूक किया। हमारी ऋषि मुनियों की यह परंपरा है, और इस परंपरा को आपने जो आगे बढ़ाने का कार्य किया उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और उड़की में ही अभी तो आप बाहर भी सेवा कर रहे हैं, जन जन तक यह कार्य पहुँचा रहे हैं, तो आपका सराहनीय प्रयास है। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे योग के माध्यम से? पंडित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया युवाओं के बारे में। मैं युवाओं की नहीं अपितु हर उम्र के व्यक्ति की बात करूंगा। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक दंत चिकित्सक हूं। दंत चिकित्सक होने के साथ साथ दोनों विधाएं एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। मैंने योग को अपनाया, योग को मैंने अपने ऊपर अपनाया, और योग के क्षेत्र में मैंने बहुत उपलब्धियाँ प्राप्त की। मैंने इसके प्रयोग स्वयं के ऊपर किए, स्वयं के ऊपर करने के साथ साथ मैंने समाज को भी इसके लिए प्रेरित किया। मैं समाज के हर वर्ग को कहना चाहता हूँ, बचपन से आप अगर योग शुरू करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी कोई रोग नहीं होगा। और युवावस्था में आज हम देखते हैं, हम आज के परिवेश में हमारा खान पान इतना ख़राब हो जाता है कि युवावस्था में ही 15 से 20 वर्ष की आयु में ही आजकल का युवा वर्ग बीमार होना शुरू हो जाता है। अगर वही युवा वर्ग बचपन से आप योग को अपना लेता है, योग को शुरू कर देता है, तो मैं मानता हूँ भविष्य में वो अपने जीवन को दीर्घ काल तक जिएगा और स्वस्थ जीवन जिएगा। जैसे हमारे ऋषि मुनि पहले 500 से 1000 वर्ष जीवित रहा करते थे, एकमात्र योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्रकृति पर आधारित रहकर और प्रकृति के साथ में अपना तारतम्य बैठा करके अपने आप को ऊर्जित करते थे, पूरी तरह से अपने शरीर को एक प्राकृतिक ऊर्जा से ओतप्रोत रखते थे। उनकी लंबी आयु का सिर्फ यही एक रहस्य था जिसको मैंने जाना, जिसको मैं आज भी स्टडी कर रहा हूँ, जिसको का अध्ययन मैं आज भी कर रहा हूँ इसके बारे में, कि ऋषि मुनि हमारे बिना कुछ खाए पिए भी महीनों तक कैसे जीवित रहते थे और पूरी तरह स्वस्थ रहते थे और लंबी आयु को प्राप्त करते थे। क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी पाई है। मैं देख रहा हूँ कि उसमें वो लोग प्रकृति से ही ऊर्जा लेते थे, क्योंकि हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और प्राण ऊर्जा पूरे प्रकृति में उपस्थित है, बस ज़रूरत है तो हमें उसको स्वीकार करने की, हम उसको किस तरह स्वीकार करते हैं। और बात योग की करें, हम आम जिंदगी में अपनी श्वासों पर ध्यान नहीं देते। हम जितनी श्वास अंदर लेते हैं उसकी 3/4 तक ही बाहर छोड़ पाते हैं। 1/4 श्वास जो हमारे अंदर रह जाती है वो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्व या विजातीय द्रव्य भी कह सकते हैं, वो इकट्ठे होते हैं। और इस अगर परिवेश में देखा जाए, पूरी दुनिया में देखा जाए, तो शरीर में होने वाली बीमारियों का एकमात्र अगर कारण है तो हमारे शरीर में उपस्थित टॉक्सिन्स हैं, विजातीय द्रव्य हैं, जहरीले तत्व हैं। और उनको सिर्फ योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को बाहर फेंक कर ही दूर किया जा सकता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब हमें बताई। और देखिए, ये हमारे ऋषियों की परंपरा है, ये गौरवमयी हमारी जो संस्कृति है, श्रीमद् भागवत जी में आया, जैसे कि हमारे योगाचार्य जी ने अभी बताया कि श्वास को हम जितना लेते हैं उससे बहुत कम बाहर निकाल पाते हैं। श्रीमद् भागवत जी में आया कि मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए, उसमें आया कि जित श्वासो जित आसनो जित संगो जितेंद्रिय, अर्थात व्यक्ति को जीवन में सर्वप्रथम अपने श्वासों पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो कि हम अक्सर नहीं कर पाते हैं। जित आसनो, आसन पर नियंत्रण रखना चाहिए, जहाँ पर बैठ गए, जैसे अभी हमारे योगाचार्य जी ने बताया ध्यान की जो मुद्रा है वो श्रेष्ठ मुद्रा है। तो कहीं ना कहीं
हम उस संस्कृति से, उन संस्कारों से विमुख हो रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जित स्वासो, जित आसनो, जित संगो, संग को जीतना, बुरी संगति से यदि आपने अपने आप को बचा लिया, और जितेंद्रिय अपने इंद्रियों में निग्रह करना, ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले श्रीमद् भागवत जी का ये श्लोक है। और केवल एक उस परम पिता परमेश्वर में विश्वास रखना, अपने जीवन को निरोग बनाएं, पहला सुख निरोगी काया। जैसे अभी हमारे बीच में योगाचार्य जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर हम सब दर्शकों को बताया, सभी लोग इससे लाभान्वित तो होंगे, और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर हम आपका मार्गदर्शन भी करते रहेंगे, आप जरूर इस कार्यक्रम से लाभान्वित तो होंगे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे बीच में योगाचार्य डॉक्टर राजेश वर्मा जी आए, आपने समय दिया, दर्शकों को बहुत सुंदर ज्ञान दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों बने रहिए हमारे साथ, पुनः आपसे मुलाकात होगी, नमस्कार। जैसा कि आपने अभी योगाचार्य डॉक्टर राजेश वर्मा जी से सुना कि उन्होंने योग के बारे में बताया, और उनके साथ थे हमारे पंडित आचार्य रजनीश शास्त्री, जिन्होंने बहुत ही अच्छा आपस में, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा, आध्यात्म के साथ योग को जोड़ा गया है। फिर किसी ऐसी विशेष मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आएंगे जो जनहित के लिए होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, मैं हर्ष असीन। इस खबर में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।